सर्दियों का मौसम आ जाने के बावजूद इन दिनों भी लोग मच्छरों से परेशान हैं। मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए लोग घरों में मॉस्किटो कॉइल ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं। मॉस्किटो कॉइल जलाने से भले ही मच्छर भाग जाते हों, लेकिन इसका हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में एक रिसर्च में ये बात पता लगी है कि एक कॉइल 100 सिगरेट के बराबर खतरनाक है और इसमें से करीब PM2.5 धुआं निकलता है जो ज्यादा खतरनाक है, यानी शरीर के लिए हानिकारक है। मॉस्किटो कॉइल से होने वाले नुकसान के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि ये बनती कैसे है। दरअसल मच्छर भगाने वाली इस कॉइल में DDT, अन्य कार्बन, फास्फोरस और खतरनाक तत्व होते हैं। ये सभी जब जलते हैं तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि मॉस्किटो कॉइल को जलाने से सेहत पर क्या असर होता है। कई अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि लगातार मॉस्किटो कॉइल के जलाने से घर का वातावरण प्रदूषित होता है। मॉस्किटो कॉइल के लगातार संपर्क में रहने के कारण फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग मच्छरों से बचने के लिए अपने बेड के नीचे कॉइल को जला देते हैं। ऐसा करना खुद की जान लेने के बराबर है। दरअसल कॉइल से निकलने वाला धुआं सीधे व्यक्ति के शरीर में जाता है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और गंभीर परिस्थितियों में हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर घर में नवजात शिशु या कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल से कम है तो उसके आसपास मॉस्किटो कॉइल भी नहीं जलानी चाहिए। वहीं कॉइल से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से आंखों में जलन और सिर दर्द की समस्या होने लगती है। डॉक्टर्स की माने तो मच्छरों से बचने के लिए कॉइल जलाना सुरक्षित विकल्प नहीं है। इनसे बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए या अन्य वैकल्पिक उपयोगों को प्रयोग में लाना चाहिए जिनसे धुआं ना निकलता हो।